नमदून रसोलकर मबैदाज़बीन बसिमल रिम्स अल्लाम वर हमल वक़ा आज हम बात करेंगे लाई लक़दर ला के हवाले से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो इस मुबारक रात के अंदर ईमान और एहतसब के साथ खड़ा हुआ यानी खड़ा होने का मतलब इबादत में मशगूल हुआ जो इंसान ईमान और एहत के साथ इस रात के अंदर खड़ा हुआ इबादत के लिए खड़ा हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देंगे तो खड़ा रहने का मतलब वो अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा हो नमाज़ पढ़े तिलावत करे तरावी पढ़े अल्लाह का शुक्र अदा करे ज़िक्र करे बल्कि इसके साथ नीत नीत का जो है बहुत ज़बरदस्त दखल है क्योंकि तमाम इमाल का दारोमदार नीत है रिया ना हो और इसको दिखलावा इस नीत के अंदर ना हो सिर्फ़ इसलिए नीत खालसता यह हो कि मैं अपनी मालिक को राज़ी करूँगा और जो मुझे मालिक ने बता दिया है मैं आपको ये इनामत दे दूँगा वो इनामात जहन में रखते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की रात में मुझे मगफरत का परवाना आता फ़रमाएंगे तो इस नीत से बैठा कि और आज मेरे तमाम गुना माफ़ हो जाएंगे आज मेरे लिए हिदायत के फैसले हो जाएंगे दुआ में मशगूरा क्योंकि दुआ भी इबादत है मसलों में ये इंसान को समझना चाहिए जो हम दुआ करते हैं अपने मालिक से मांगते हैं अल्लाह रबुल्ज़त से मांगते हैं और दुआ भी इबादत है दुआ में मशगूल है कोई जिक्र में कोई मशगूल है नवाफिल में मशगूल है तरावी में मशगूल है तिलावत कलाम पाक में मशगूल है कोई इंसान को कोई लगवी बात नहीं करनी है दुनियावी बात नहीं करनी है दुनियावी तमाम बातें छोड़ के जो दुनिया के मसाइल, हालात अज़रब तबसरात वग़ैरह वो सारी चीज़ें छोड़ के यकसो के अल्लाह की इबादत के लिए इस रात में खड़ा हो गया उसके अल्लाह रबुल्ज़त तमाम गुना माफ़ फरमा देंगे ईमान के साथ और इस नेत के साथ रब्ज़त मेरे गुना माफ़ फरमा देंगे और अल्लाह रब्ज़त मुझे एक नई ज़िंदगी अता फ़रमा देंगे बिल ज़रूर अल्लाह रबुजत उसको एक नई ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे प्यारे नबीम ने साहबा से जमी रमज़ान मबारक कहा था तो प्यारे नबी ससम अपना साहबा के बीच में उनको ये बाज़ु नसीहत फ़रमाते थे एक महीना तुम पे आने वाला है और वह महीना उसके अंदर एक रात आ रही है और वो रात हज़ार महीनों से बेहतर रात है हज़ार महीनों से बेहतर रात है और उस रात के अंदर जो खैर है और उस खैर से अगर कोई महरूम रह गया उस रात से कोई महरूम रह गया तो वो तमाम खैर से महरूम रह गया अगर उस रात की बलई जो है अगर वो भलाई को कोई भी जाने तो वो उस हकीकत को नहीं छोड़ सकता है वो उस बलई को नहीं छोड़ सकता है लेकिन महरूम वही रह सकता है जिसको इसका अलिम नहीं होगा इसको इसका अलिम नहीं होगा जो इसका इस रात से महरूम नहीं होगा जो इस रात से महरूम होगा इसको इस रात की फजीलत का पता होगा जिसको इस रात के इनामा का पता होगा तो वह इस रात को कभी गवाएगा नहीं वह इस रात में खड़ा रहेगा इस रात में अल्लाह को याद करेगा इसीलिए अल्लाह रबुल्ज़त ने क्या मुकरर फरमाया कि ये रात जो है ना बड़ी ज़बरदस्त काम की रात है इससे फ़ायदा उठा लो इससे फ़ायदा उठा लो अपने ऐमाल को बढ़ा लो आखरत को बढ़ा लो आखरत के दर्जे में बढ़ा दो आखरत के दर्जे को बढ़ा लो तो प्यारे नबी इसलिए इतकाफ़ फरमाया करते थे प्यारे नबी ने पूरी जिंदगी इतकाफ़ फरमाया है पूरी ज़िंदगी इतका फरमाया है और सिर्फ तीन मरतबा पे एक तो किसी काम की वजह से एक मरतबा इतकाफ़ नहीं फरमा सके बदर की लड़ाई जब थी रमज़ान मुबारक में सत्य रमज़ान को जो बदर का वाक़ा हुआ उसमें प्यारे सुसम और फतवी फती मक् जो आठ हिजरी में हुआ उसमें प्यारे नबी सो उस सूरत में प्यारे नबी सल्लास में एतकाफ़ नहीं फ़रमा सके तो प्यारे नबी सी मुबारक जिंदगी के अंदर तीन मरतबा ऐसा मिलता है कि तीन मरतबा प्यारे नबी व एतकाफ़ नहीं फरमाया बाकी हर साल इतफाक़ फरमाए जिस साल प्यारे नबी ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो उस साल प्यारे नबी ने 10 के बजाय 20 दिन का एतका फरमाया और जब पहली मरतबा प्यारे नबी नबीसम ने इतका फरमाया तो पूरे रमज़ान मुबारक के महीने जो इतका फरमाया पहले 10 दिन में तलाश किया नहीं मिली दूसरे 10 दिन में नहीं मिली फिर फरमाया कि तीसरे जो दस दिन हैं इसमें ताक रातों के अंदर लैलतुल कद्र को आप तलाश फरमाएं तो लैलतुल कद्र को तलाश फरमाना लाल कद्र के अंदर अल्लाह के सामने रोना गिड़गिड़ाना अल्लाह के सामने इबादत में मशगूल रहना वो बस यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि मैं अपने बंदे को माफ़ कैसे फरमाऊँ अपने बंदे को माफ़ फरमाऊँ कैसे फरमाऊँ अल्लाह पाक इसके बग़ैर भी हमें माफ़ फरमाते हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहाना आप भी थोड़ा सा कुछ करो मैं तो तक रहा हूँ मैं तो तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ इसीलिए फरमाया गया कि जिससे मुबारक मिला और उसकी मगफरत नहीं हुई हलाक हो जाए वो शख्स ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान वारक में ऐसे बहाने रखे हैं एक बंदा अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले थोड़ी सी कोशिश कर ले तो अल्लाह इज़्ज़त उसको माफ़ फरमा देंगे अल्लाह इज़्ज़त उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल देंगे मगफरत के दरवाजे खोल दें अल्लाह रबत ने शैतान को बंद कर दिया सिर्फ़ अपने बंदे की मोहब्बत के लिए तो अल्लाह रबित हमें ऐसी मोहब्बत नसीब फरमाए अपनी कि हमें बस हर वक्त अल्लाह रबुल्जत का ख्याल हो हर वक्त हमें अल्लाह इज़्ज़त की लो अल्लाह इज़्ज़त की इताअत का ख़्याल हो आमी वखरंदौन रब्बिल आलमीन